सो उनको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या सेक्शन टू सेक्शन नहीं जाना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि जो ये आपने स्टेप लिया है इससे स्टूडेंट्स की डिग्री जो है वो ऑन टाइम कम? देखिए आप देखिए हमें तो वी कैन कीप इट ऑन रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स शुड नॉट हैव टू गो फ्रॉम अ स्पॉट टू स्पॉट, फ्रॉम अ पॉइंट टू पॉइंट, एक ही जगह पे इनके सारे जो इश्यूज हैं शुड बी रिजॉल्व्ड एट वन पॉइंट। इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में, हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इनसे हम जानेंगे जिन्होंने रिसेंटली एक लॉन्च किया था सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इसके बारे में हमसे जानकारी लेंगे। सर राइज़ कश्मीर, आपका खैर मकदम। सर खैर मकदम, अस्सलाम वालेकुम। सर हमारे जो इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी ये है कि हम लोग डेट शीट इशू करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर। जो जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो हमारे दो बैचेस हैं उनके एग्ज़ाम्स जुलाई में होने हैं, पर हमने डेट शीट एट द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर इशू किए हैं। इसी तरीके से जब रिजल्ट्स हम डिक्लेयर करते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट्स जो हैं, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स के बाद बच्चों को इंतज़ार नहीं करना पड़ता, हम डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स उनके रेस्पेक्टिव कॉलेजेस या डिपार्टमेंट्स भेज देते हैं। सो हमें जो ये पूरा डिजिटाइज सिस्टम है और एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट पूरा अवेयर है, ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स हमारे जो हैं दे आर वेल अवेयर विथ हाउ द सिस्टम इज़ वर्किंग, द डेट शीट इज़ इशूड, एग्जाम्स आर कंडक्टेड, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, इशुएंस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री सर्टिफिकेट्स टू देयर रेस्पेक्टिव कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट्स। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको कोई जैसे इशू है उसकी डिग्री सर्टिफिकेट में, या वो पुराना केस है, हमने जो अभी तक के बैचेस हैं 2013 तक के 2014 तक हमने वो कॉलेजेस में भेज दिए और डिपार्टमेंट्स में भेज दिए, आज हमें पेंडिंग डिग्री सर्टिफिकेट्स या ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं है। जैसे कि हमारा रिजल्ट 31 दिसंबर को निकला यूजी बैच का, हमने उनकी डिग्री सर्टिफिकेट्स भेज दी। मगर अब कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं जो 2007, 2008, 2010, 2012 जिनको डिग्री सर्टिफिकेट्स अप्लाई करना पड़ता था, या कोई करेक्शन है मॉडिफिकेशन, तो जो आना पड़ता था उनको कहाँ आना पड़ेगा, फिर किस डिपार्टमेंट में या सेक्शन में जाना पड़ेगा, हमने सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी क्रिएट की है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जहाँ पे इनकी प्रॉब्लम को समझा भी जाएगा, रिजॉल्व भी किया जाएगा और उनको अपडेट भी किया जाएगा, और अगर उनसे कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग हो वो भी उनसे वहीं पर रिसीव किया जाएगा। सो ये एक पूरा सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी है, ये हम लोग ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है ताकि स्टूडेंट को बार बार नहीं आना पड़े। स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि दैट देयर इज़ वन स्टॉप फॉर ऑल द इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स, सो उनको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या सेक्शन टू सेक्शन नहीं जाना पड़ेगा। सो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इट्स ए सेंट्रलाइज्ड स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे स्टूडेंट्स के जो कोई इशूज़ हैं दे विल बी रिजॉल्व देयर एंड देन ओनली। सर ये मुझे बता दीजिए, फॉर एग्जांपल जितने भी पुराने केसेस होते पेंडिंग केसेस, यानी कि 20 साल पहले किसी ने डिग्री की कश्मीर यूनिवर्सिटी से, तो अब वो इसकी डिग्री खो गई है या उसको अभी तक डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिल चुकी है, अगर वो आएगा इसको भी जो प्रोसेस होता है वो कैसा रहेगा? देखिए हमारा जो 2013 से यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया था कि स्टूडेंट्स डोंट नीड टू अप्लाई फॉर डिग्री सर्टिफिकेट, सो वो एक पॉलिसी अब हमने वो सारे बैचेस जो हैं खुद ही बन जाते, मगर जो पुराने स्टूडेंट्स थे वहाँ पे स्टैट्यूटरी पोजीशन थी कि स्टूडेंट नीड टू अप्लाई। जो अब अगर आज जैसे गवर्नमेंट किसी से पुराने एम्प्लॉई से सर्टिफिकेट मांगता है तो उनको आना पड़ता है यहाँ पे या ऑनलाइन सबमिट करना है, तो उसके बाद जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी वहीं पर हो जाती हैं और हम डिग्री फिर उसके कॉलेज या उसके डिपार्टमेंट भेज देते हैं। सो उनको हॉप नहीं करना पड़ता एक जगह से या दूसरी जगह, और डुप्लीकेट में एक प्रोसेस है, डुप्लीकेट उन कैंडिडेट्स के एप्लीकेबल है जिन्होंने डिग्री सर्टिफिकेट्स रिसीव की हैं मगर दे हैव लॉस्ट इट या डैमेज हो चुकी है, तो उसमें एक प्रोसेस होता है कि दैट इट हैज़ टू गो थ्रू सर्टन स्टेप्स, जैसे आप ही के थ्रू न्यूज़पेपर्स में भी आता है कि दैट आई हैव लॉस्ट आते हैं ना, सो मगर वो भी सेंट्रलाइज रखा है हमने और शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन टाइम में हम डिग्री सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स इशू करते थे जहाँ पे भी एज द केस में भी। सर आपके अंडर अभी तक जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं या डिग्री कॉलेजेस हैं या मेडिकल पैरामेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस हैं, टोटल वो कितने कश्मीर वैली डिवीजन में हैं जो इस कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं? सर हमें 200+ कॉलेजेस हैं जिसमें एक मेजर मेजॉरिटी गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, फिर हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, हर एक
टाइप का कोर्स ऑफर करता है? कश्मीर यूनिवर्सिटी जो थी वो डिग्रियाँ जो थी, मतलब डिग्री बच्चों को लेट मिलती थी। आपको लगता है कि जो ये आपने स्टेप लिया है इससे स्टूडेंट्स की डिग्री जो है वो ऑन टाइम कम? देखिए आप देखिए, हमें तो वी कैन कीप इट ऑन रिकॉर्ड, जो 2022 का जैसे एडमिशन हुआ नेप में, उनका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम बराबर जुलाई में होगा और डेट शीट इज़ ऑलरेडी इशूड। इसी तरीके से जो 2023 में एडमिशन हुआ पिछले साल नेप का, उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर दे दिया, सेकंड सेमेस्टर उनका भी जुलाई में। सो वी एग्जैक्टली आर फॉलोइंग कि उनके चार साल जो हो रहे हैं वो 2022 में जो एडमिशन लिया 26 में होगा। इससे पहले भी जो हमारा चॉइस बेस्ड का था, हमने उनका भी बराबर जो 2021 बैच है उनका इस वक्त एग्ज़ाम चल रहा है मई में, उनका भी जून में रिजल्ट निकल जाएगा। सो बराबर तीन साल में, और जो केस है या इंजीनियरिंग है वो चार साल में, हम लोग इंश्योर करते हैं कि द ड्यूरेशन जो है वो इट इज़ कम्प्लीटली इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिग्री। सो हमारा जो ये इनिशिएटिव है इस वक्त वो है कि स्टूडेंट कम्स टू वन पॉइंट, ऑल हिज इशूज़ आर अंडरस्टूड एंड दे आर रिजॉल्व्ड एंड एट दैट पॉइंट ओनली। सो उसको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था कि जितने भी आप सर यहाँ पर एक्टिविटीज़ करते हैं एग्जाम्स के रिलेटेड, सर जितने भी बाकी CUET एग्ज़ाम्स होता है, नीट एग्ज़ाम्स होता है, मतलब अगर स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में आना चाहेगा तो उसके लिए कभी डेट्स ये क्लेश होते हैं सर, कभी वहाँ से भी आप, सो आप जिस चीज़ को ध्यान रखते हो सर? देखिए जैसे हम हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे इस वक्त इलेक्शंस का टाइम है तो हमने इलेक्शंस का डेट शीट जो निकाला वो इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्शन डेट्स या नीट एग्ज़ाम्स के डेट्स या UGCET के हिसाब से हम वो सारा कंसिडरेशन लेते हैं कि सो दैट देयर इज़ नो पॉसिबल क्लैश बिटवीन एनी इवेंट। सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि जो एग्जामिनेशन विंग है आपकी, जितने भी एक्टिविटीज रिलेटेड हुई थी, अपकमिंग जो आपके जो फर्दर प्लान्स हैं सर वो क्या रहेंगे सर? देखिए एक तो हमने जितना भी डिजिटाइजेशन प्रोसेस है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है, हमारा एक तो प्रायोरिटी है कि दैट इट शुड बी कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। दूसरी है कि दैट वी वॉन्ट टू मिनिमाइज स्टूडेंट ट्रैवलिंग टू मेन कैंपस। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी उनकी रिलेशन है यूनिवर्सिटी के साथ, वो जैसे कुपवारा का स्टूडेंट है, उसको आज यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम कुपवारा ही उसकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सर्टिफिकेट भेजते हैं। तो एक तो हमारी प्रायोरिटी है कि स्टूडेंट विजिट्स शुड बी मिनिमाइज टू द मेन कैंपस, बिकॉज ये बच्चों के लिए बहुत तकलीफदेह हो जाता है अगर उनको यहाँ आना पड़ता है। मैक्सिमाइज करते हैं कि हम उनको स्टूडेंट्स हैव टू रीच ऑटोमेटेड रेजोल्यूशंस उनको हो जाए, और हम इस वक्त हमारी एक प्रायोरिटी है जो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, डेटा जितना है वी आर अपलोडिंग द डेटा ऑन द नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी सो दैट स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड देयर ट्रांसक्रिप्ट्स डिग्री सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन ऑल्सो विच आर वेरीफाइड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स जैसे रिकॉर्ड या जैसे आपने कहा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स या पुराने स्टूडेंट, उनका जो डेटा है वो भी मिनिमाइज हो जाए, वो भी उनका विजिट्स मिनिमाइज और उनका डेटा सारा ऑनलाइन हो जाए सो दैट दे डोंट हैव टू ट्रैवल। हमारा जो सबसे बड़ा फोकस इस वक्त यूनिवर्सिटी का है कि दैट स्टूडेंट्स मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू विजिट अस हेयर, यहाँ पे जितना हो सारा कुछ ऑनलाइन हो, और इसमें हमारे पास मोस्ट ऑफ इट वी हैव अचीव्ड। सिंगल विंडो का भी यही है कि अगर आप स्टूडेंट को आना पड़े तो उसका विजिट मिनिमाइज हो जाए, मतलब एक ही पॉइंट पे हो जाए, ही डज नॉट हैव टू हॉप ना मल्टीपल टाइम्स। सर क्या मैसेज देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के? हम ये जम्मू एंड कश्मीर और पूरे हमारे देश में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, NAC एक्रेडिटेड A+ है, NRIF में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है। ये हमारे बच्चों, हम अपने बच्चों को यहाँ प्रायोरिटाइज़ करते हैं, ये एक एकेडमिक एक्सलेंस इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने ख्वाबों के ताबीर देख सकते हैं, एंड यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन आवर होल कंट्री। सर एक चीज़ था कि सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है आजकल इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। सर जी जी सर, क्या कश्मीर यूनिवर्सिटी के पास एग्जामिनेशन विंग जो है जिससे आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो? क्योंकि ये कश्मीर बहुत अच्छा, कश्मीर यूनिवर्सिटी के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ से स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सजेशन है। हम लोग जो आपकी ये सजेशन है, ट्विटर और इंस्टाग्राम
हम ऑफिशियली इस पे इन इन अ मंथ और सो वी विल क्रिएट अ प्रॉपर हैंडल सो दैट स्टूडेंट्स को जो भी कोई इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से निकले एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन ये ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो क्योंकि आज सोशल नेटवर्किंग सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है सो हम ये सजेशन और हम लोग इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं सो हम लोग इसको देखेंगे कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए इस महीने डेढ़ महीने में और आपके प्लेटफॉर्म से वी एश्योर आवर स्टूडेंट्स आवर ऑल स्टेक होल्डर्स कि वी इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन चलो थैंक यू सर थैंक्स अ लॉट माय प्लेजर थैंक यू वेरी मच